हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल के बारे में। आज का टॉपिक है गुडविल। तो बच्चे, गुडविल क्या होता है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल क्या है बच्चे? रेपुटेशन ऑफ फर्म है। और गुडविल क्या होता है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट। बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 डील विद इंटेंजिबल असेट्स। और गुडविल भी क्या है? इंटेंजिबल असेट है। तो गुडविल क्या होता है बच्चे? गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट। अब टेंजिबल असेट क्या होती है? जिनको हम टच कर सकते हैं। फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है? हमारे लिए टेंजिबल असेट है। मगर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? इंटेंजिबल असेट है। हमें किसके बारे में पढ़ना है आज? हमें पढ़ना है गुडविल के बारे में। तो गुडविल क्या है बच्चे? रेपुटेशन ऑफ द फर्म। किसी फर्म की रेपुटेशन कितनी है वो क्या है? गुडविल है। गुडविल क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। गुडविल जो है कस्टमर को बिजनेस में रिपीट करने में हेल्प करती है। गुडविल की वजह से क्या होता है? हमारे पास ज्यादा कस्टमर आते हैं और उससे क्या होता है? हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर्स ऑफ गुडविल। तो बच्चे, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट है। गुडविल क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या करता है ये? कस्टमर्स को हमारे फर्म की तरफ अट्रैक्ट करता है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। बच्चे, अब कस्टमर ज्यादा आएंगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बच्चे, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल असेट है बट फिक्टिशियस असेट नहीं है। फिक्टिशियस असेट क्या होता है? जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, वो क्या होते हैं? हमारे फिक्टिशियस असेट होती हैं। तो गुडविल क्या है? गुडविल इंटेंजिबल असेट है, फिक्टिशियस नहीं है। बच्चे, गुडविल का फॉर्म से सेपरेट कोई भी अस्तित्व नहीं है। गुडविल का कोई भी वैल्यू नहीं है फॉर्म के अलावा। मतलब फॉर्म है, बिजनेस है तो गुडविल है, बिजनेस नहीं है तो गुडविल नहीं है। अगर हम कहते हैं उस कंपनी गुडविल इतनी है तो क्या है? अगर बिजनेस है तब उसकी गुडविल है। और गुडविल क्या है बच्चे? सब्जेक्टिव है। हम किन फैक्टर्स के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं? तो बच्चे, गुडविल क्या है बच्चे? हमारी सब्जेक्टिव है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। गुडविल जो है बच्चे बहुत सारे फैक्टर्स से आती है। जैसे मान लीजिए हमारा मैनेजमेंट कैसा है, हम लोकेशन कैसी है हमारी, हमने पास्ट में कैसे काम किया, ठीक है। तो डिफरेंट फैक्टर्स की हेल्प से हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फैक्टर गिविंग राइज टू गुडविल। किन रीजन से गुडविल पर इफेक्ट होता है? कौन कौन से रीजन गुडविल को इंक्रीज कर सकते हैं? तो नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस किस तरह का है, हमारे गुड्स की डिमांड मार्केट में स्टेबल है या नहीं है, हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे क्वालिटी का है, किस वैल्यू का है। तो बच्चे, नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस किस तरह का है, हमारी डिमांड कैसी है मार्केट में हमारी गुड्स की, तो ये क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज लोकेशन। बच्चे, अगर हमारा बिजनेस सेंट्रली लोकेटेड है, हमारा बिजनेस उस जगह पर है जहां पर कस्टमर्स ज्यादा आ सकते हैं, तो क्या होगा? गुडविल हायर होगी। अगर बिजनेस रिमोट एरिया में है तो कस्टमर वहां पर कैसे आएंगे? तो गुडविल क्या होगी? लो होगी। तो बच्चे, जहां पर कस्टमर का रस है, जहां पर कस्टमर इजीली पहुंच सकता है, अगर बिजनेस सेंट्रली लोकेटेड है तो क्या होगा? गुडविल की वैल्यू हायर होगी। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे, हमारे जो मैनेजर हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, हमारे मैनेजर जो है कैपेबल हैं, हमारे मैनेजर जो हैं कॉम्पिटेंट हैं, तो अच्छे से काम कर पाएंगे। अच्छे से काम करेंगे तो गुडविल क्या होगी? हायर होगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितने एफिशिएंट हैं, मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो गुडविल की वैल्यू राइज करेगी। मार्केट सिचुएशन। बच्चे, मार्केट में हमारी मोनोपोली है, सिर्फ हमारी फर्म ही मार्केट में काम कर पा रही है, तो या फिर कंपटीशन बहुत लिमिटेड है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जो गुडविल की वैल्यू है हमारी फर्म की वो ज्यादा होगी। तो मार्केट सिचुएशन, मार्केट में हमारी कंडीशन कैसी है,
अगर मोनोपोली में है या कंपटीशन बहुत कम है तो गुडविल की वैल्यू हायर होगी। स्पेशल एडवांटेजेस, बच्चे हमारे पास कोई स्पेशल एडवांटेजेस हैं लाइक पेटेंट्स, सप्लाई लाइसेंस है हमारे पास, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है लो प्राइसेस पर, तो इससे क्या होगा बच्चे हमारे पास क्या है स्पेशल एडवांटेजेस हैं, स्पेशल बेनिफिट्स हैं, तो इससे क्या होगा हमारे गुडविल की वैल्यू हायर होगी। अदर फैक्टर में हमारे पास क्वालिटी, अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी है, हमारा प्रोडक्ट जो है हाई क्वालिटी का है, तो क्वालिटी अच्छी है तो गुडविल भी क्या होगी हायर होगी। आफ्टर सेल सर्विस, हमने मान लीजिए कोई मोबाइल फोन सेल किया और बोला कि 1 ईयर की वारंटी है, तो मतलब 1 ईयर तक कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक कर देंगे, तो ये क्या है बच्चे आफ्टर सेल सर्विस है। गुड्स को सेल करने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, हमने पास्ट में कैसे काम किया, अगर पास्ट में हमने जेन्युइनली काम किया, कोई भी फ्रॉड नहीं किया, अच्छे से काम किया, पब्लिक की हेल्प की हमने, सोसाइटी की हेल्प की हमने, तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी बच्चे हायर होगी। प्राइजेस हमारे रीजनेबल हैं, प्राइजेस ज्यादा नहीं है हमारे, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट प्राइजेस क्या है रीजनेबल है, इससे भी क्या होगा गुडविल हमारी हायर होगी। इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट जो है हमारी वो काफी इफेक्टिव है, काफी इंप्रेसिव है, तो इससे क्या होगा गुडविल की वैल्यू हायर हो जाएगी। तो बच्चे ये सब फैक्टर्स थे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, इनमें से कोई एक पॉइंट दिया होगा हमें और हमें उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अच्छे कब कब हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या हमें करनी पड़ती है, जब पार्टनर्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो हमारे अभी पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या किया अपनी रेशियो को चेंज कर लिया और एक न्यू रेशियो को एक्वायर कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में क्या होगा हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और अकॉर्डिंगली पार्टनर्स को कि पार्टनर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनल पार्टनर, कोई नया पार्टनर फॉर्म में आया, कोई नया पार्टनर फॉर्म में आया तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे फॉर्म को पे करेगा जिसको हम बोलेंगे गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ने जा रहा है तो पार्टनर ने काफी ईयर तक काम किया तो उसको कुछ पैसा मिलेगा, दैट इज द गुडविल। डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर डेथ हो गई तो उसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें कुछ पैसा पे करेंगे हम, दैट इज गुडविल। अमलगमेशन ऑफ फॉर्म, बच्चे एक पार्टनरशिप फॉर्म अलग थी दूसरी अलग थी, दोनों ने अपने बिजनेस को कंबाइन किया और साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो दिस इज द अमलगमेशन, पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म का मिक्स हो जाना, तो उस केस में चेक करेंगे हम कि किस फॉर्म की कितनी गुडविल है। फॉर्म इज सोल्ड, अगर हम अपने बिजनेस को सोल्ड कर रहे हैं उस केस में भी क्या करेंगे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे और उसके बदले भी पैसा हमें मिलेगा अगर सेल कर रहे हो। कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू कंपनी, अगर हमने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को किसी कंपनी में सेल कर दिया या कंपनी में कन्वर्ट कर लिया तो उस केस में भी क्या करेंगे हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अच्छे इन सभी केसेस में क्या करना पड़ेगा हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा और गुडविल को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स भी है, चेंजिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर है। जो अमलगमेशन है ये आप पढ़ोगे बीकॉम में, ठीक है बच्चे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, अच्छा गुडविल को हमने क्लासिफाई किया 2 टाइप्स में, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है, जिसके लिए हमने पैसा पे किया। अब मान लीजिए हमने कोई बिजनेस एक्वायर किया, हमने कोई बिजनेस एक्वायर किया, बिजनेस में असेट्स जो है वो 10 लाख रुपीज की है, लाइबिलिटीज जो है 2 लाख रुपीज की है, तो पैसा कितना पे करना है हमें 8 लाख पे करना है, बट हम पे कितना कर रहे हैं 9 लाख पे कर रहे हैं, तो हमने क्या किया एक्स्ट्रा पैसा पे किया, तो 1 लाख रुपीज क्या है वो गुडविल है, 1 लाख क्या है हमारा परचेज गुडविल है, मतलब जितनी असेट्स की वैल्यू है उससे हम हायर पैसा पे कर रहे हैं,
तो वो पैसा क्यों पे किया हमने? गुडविल के लिए पे किया। बच्चे जो परचेज गुडविल है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो परचेज गुडविल है उसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड शो करेंगे, और जो बच्चे हम डिफरेंट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे उसको हम असेट साइड शो नहीं करेंगे। जो हमने खुद गुडविल कैलकुलेट की उसको हम बोलते हैं वैल्यूड गुडविल, उसकी हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। अगर परचेज गुडविल है तो उसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट टाइम सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिस गुडविल को हमने खुद जनरेट किया, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने अच्छे से बिजनेस किया, हमने एडवर्टीजमेंट अच्छे से की, तो डिफरेंट फैक्टर की हेल्प से क्या किया हमने? गुडविल को खुद जनरेट किया। इस गुडविल को हम बैलेंस शीट में असेट में शो नहीं करेंगे, मगर जो परचेज गुडविल है इसको हम बैलेंस शीट में असेट्स में शो करेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, तो बच्चे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बच्चे अब इन मेथड्स को हमें वन बाय वन पढ़ना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब इसमें क्या होता है, हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उस बेसिस पर हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हम जो गुडविल है वो कैलकुलेट कर रहे हैं 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है 5 ईयर्स का, इन सबको हम ऐड करेंगे 5 ईयर प्रॉफिट को, डिवाइड बाय 5, तो जो आएगा हमारे पास वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। बच्चे अगर प्रॉफिट है तो ऐड करना है, और अगर लॉस है तो उसको हमें माइनस करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी, प्रॉफिट गिवन है 5 ईयर का, पांचों को ऐड करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या है? टोटल प्रॉफिट है। हम उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, यानी कि मैंने एग्जांपल लिया अभी 5, तो वो क्या आएगा हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, अगर हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन दे रखे हैं तो बच्चे इनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी होता क्या है, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस, बच्चे वो लॉस हमारे जो हर साल नहीं होंगे, हमारी वो इनकम जो हर साल नहीं होगी उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन्स। फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं हमारे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये सब क्या है बच्चे हमारे एबनॉर्मल लॉसेस हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हर साल तो नहीं होगा, तो ये क्या है बच्चे हमारे। इसके अलावा हम कोई हमें क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिला हमें, तो ये हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल गेन्स है, तो इनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब जब हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को ही लेना है, जो एबनॉर्मल गेन लॉस है उनको हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो हमने क्या किया, सभी इनकम को ऐड किया और सभी एक्सपेंसेस को माइनस किया। अब हमें क्या चाहिए, जो हमारे जो रिवेन्यू और एक्सपेंस हमारे ऑपरेटिंग वाले हैं, जो नॉर्मल है हमारे, जैसे रेंट है, सैलरी है, हमें सिर्फ प्रॉफिट में कैलकुलेट करने के लिए इनको माइनस करना है। हमने क्या किया, सभी एक्सपेंस माइनस किए, सभी इनकम को ऐड किया, तो जो हमारी एबनॉर्मल इनकम थी उनको हमने क्या कर लिया बच्चे, ऐड कर लिया जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब। अब हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। पहले एबनॉर्मल इनकम को ऐड किया, अब माइनस कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। जब हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब हमने क्या किया, सभी एक्सपेंसेस को माइनस किया, चाहे वो नॉर्मल हो, ऑपरेटिंग हो, या हमारे एबनॉर्मल हो। बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये नॉर्मल एक्सपेंस। तो जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने, जब नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया तब हमने क्या किया, नॉर्मल एक्सपेंसेस को माइनस किया, एबनॉर्मल को माइनस किया। अब हम एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो उनका इफेक्ट क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉसेस। जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो हमने सभी लॉसेस को माइनस किया था, नॉर्मल भी एबनॉर्मल भी। अब हम एबनॉर्मल को ऐड कर रहे हैं तो उनका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। माइनस एबनॉर्मल गेन, इनको हमने ऐड किया था, अब क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। प्लस नॉर्मल फ्यूचर एक्सपेंस, जो हमारे नॉर्मल एक्सपेंस है जिसको माइनस नहीं किया हमने, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं हर साल, बट इस साल हमने रिटर्न लिखना भूल गए उसको, तो क्या करेंगे उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। नॉर्मल फ्यूचर इनकम है, जो इनकम हमारी हर साल होती है जनरली, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर ऐड नहीं किया तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर फॉर विच प्रॉफिट इज गिवन। मान लो प्रॉफिट गिवन है 5 ईयर का, तो डिवाइड बाय 5। प्रॉफिट गिवन है 4 ईयर का, तो डिवाइड बाय 4। प्रॉफिट गिवन है 3 ईयर का, तो डिवाइड बाय 3। तो ये हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे डिसाइड टू टेक बी इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1st अप्रैल 2020 फॉर 1/5 शेयरिंग प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 60% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 or 4 ईयर व्हिच एवर इज हायर। अच्छा क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर का, और जो भी हायर होगा उसको हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, उसके बदले क्या गिवन है, 60%। तो हम क्या करेंगे, 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट को। अगर नंबर ऑफ ईयर दिया होगा तो मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ ईयर से। द प्रॉफिट फॉर विच द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल फॉर द पास्ट 4 ईयर पर 2020 प्रॉफिट हमें गिवन है 4 ईयर का। बच्चे हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है 4 ईयर की और 3 ईयर की, जो भी हायर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। बच्चे जो हमें 3 ईयर लेने हैं, 4 ईयर लेने हैं तो 4 ईयर लेंगे, मगर जो हमें 3 ईयर लेने हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट वाले 3 ईयर्स हैं उनको हमें लेना है। 17 हमारा पुराना ईयर छोड़ देंगे हम, और बाकी 18 and 20 ये हमारे लेटेस्ट 3 ईयर हैं, इनको हम लेंगे। जो लेटेस्ट ईयर है, जो करंट ईयर है, वो हमारे लिए मोर वैल्यूर होगा देन द ओल्ड वन। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं, गुडविल इक्वल टू, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। तो बच्चे क्या करना है हमें, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, हम 4 ईयर की एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, 48,000 चारों बार कर लेंगे, 48,000 प्लस 30,000 300, 31,200 प्लस 42,200 चारों को ऐड किया डिवाइड बाय 4 ऐड कर लेते हैं, 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 प्लस 42,200 दिस इज 1,51,700 डिवाइड बाय 4 दिस इज 37,925। ये एवरेज प्रॉफिट है 4 ईयर का। अब हम ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, अच्छे 3 ईयर निकालेंगे, लेटेस्ट वाले 3 ईयर लेंगे, 48,000 प्लस
30,300 प्लस 31,200 डिवाइडेड बाय 3, 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 दिस इज 1,09,500 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 36,500. तो विच वन इज हायर? 37,925. दिस इज हायर. तो अब ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है. हम इसको यूज करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए. दोनों में से कोई प्रॉफिट हायर आ सकता है. तो अब गुडविल कैलकुलेट करो. 37,925 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन नहीं है, उसके मतलब गिवन है 60% ऑफ एवरेज प्रॉफिट. मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100 37,925 मल्टीप्लाई बाय 60% 22,755. तो गुडविल की वैल्यू कितनी बचे? गुडविल की वैल्यू है 22,755. तो हमने क्या किया, इस तरह से गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड. नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो गिवन नहीं है तो हमें परसेंटेज गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया हमने? प्रॉफिट जितने का गिवन था उन सबको ऐड किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. ठीक है, अब इसको आप स्क्रीन को रिकॉर्ड और स्टॉप करके रिकॉर्ड कर सकते हो, नोट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एब्नॉर्मल गेन एब्नॉर्मल लॉसेस को भी एडजस्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित परचेज अमित बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2022. इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज. तो मल्टीप्लाई करना है 2 से ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर. बच्चे क्या लेना है हमें? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, यानी कि जितने भी एबनॉर्मल गेन लॉस है उनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. प्रॉफिट ऑफ अमित बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018 में ₹2 लाख का प्रॉफिट गिवन है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 20,000. इसमें एबनॉर्मल गेन जो है वो भी एडेड है. तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा हमने, तो इसको हमने एड कर दिया होगा. अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे. आगे बढ़ो. 2019 ₹2,20,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹40,000. बच्चे एबनॉर्मल लॉस को चार्ज किया मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो एबनॉर्मल लॉस को हमने माइनस किया. अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे. 2020 ₹1,70,000 इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम 10,000. इसमें बच्चे नॉन बिजनेस इनकम भी इंक्लूडेड है मतलब ऐड किया हुआ है, तो उसको माइनस करते हैं. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल. तो पहले चीज क्या करेंगे, हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. तो बच्चे ईयर गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, उसके बाद हम एडजस्टमेंट मेड करेंगे और उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. ईयर में गिवन है 2018, 18 में प्रॉफिट गिवन है ₹2,20,000. एडजस्टमेंट इतनी है, एबनॉर्मल गेन है. सोचिए एबनॉर्मल गेन को हमने प्रॉफिट जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था
तो एबनॉर्मल गेन को हमने ऐड किया होगा। अब इसको अगर एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। पहले प्लस किया अब माइनस कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, खत्म हो गया। जो बचेगा वो क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, माइनस 20,000। दिस इज 1,80,000। 2019 में प्रॉफिट गिवन है 2,20,000। इसमें आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 40,000। एबनॉर्मल लॉस को हमने माइनस किया, तो जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब इसको हमने माइनस किया होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे 40,000 2020 में 1,70,000 प्रॉफिट गिवन है। इसमें नॉन बिजनेस इनकम है, जो बिजनेस इनकम बचे नॉर्मल प्रॉफिट में, जो बिजनेस इनकम है वही सिर्फ कैलकुलेट कर ली है। जो इनकम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुई है सिर्फ हमें वही लेनी है। बच्चे एक होता है वेटेड प्रॉफिट, उसमें क्या होता है, हमें वेट असाइन करना होता है। तो क्या करेंगे, इसमें तो नहीं है, अगर होगा तो जो लोवेस्ट वेट है वो हम देंगे सबसे लास्ट वाले ईयर को, और हाईएस्ट वेट देंगे जो हमारा लेटेस्ट ईयर है, करंट ईयर है उसको, क्योंकि जो लेटेस्ट ईयर है वो हमारे लिए मोर वैल्यूएबल है देन द प्रीवियस ईयर्स। अगर लेटेस्ट ईयर है, अगर हमें कैलकुलेट करना है वेटेड प्रॉफिट, तो यहां पर कॉलम बनाएंगे वेट का, तो 1, 2 फील देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ओनर प्रॉफिट से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और क्या करेंगे इसके लिए, हम अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 1,80,000 प्लस 2,60,000 प्लस 1,60,000, तो दिस इज 6,00,000। इनको मैंने ऐड किया 6,00,000 को डिवाइड बाय 3, रुपीज 2,00,000। बच्चे अगर हमें वेटेड प्रॉफिट दिया होता, तो मान लो वेट 3 होते, 1, 2, 3, 18 में 1, 19 में 2, 20 में 3। अब जो नंबर ऑफ ईयर जो हमारे पास 3 लिया मैंने, इसके बाद कितना आएगा, 1 + 2 + 3। अगर हम वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर कितना आएगा, 3। अब गुडविल कैलकुलेट करो, गुडविल इक्वल टू बेटा फॉर्मूला लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखो, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000। अगर हमें किसी पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस 4,00,000 से उस पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमने 4,00,000 कैलकुलेट किया, ये गुडविल है फॉर्म की, अगर पार्टनर की कैलकुलेट करनी है तो पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।